गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्रिसमस सॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू दिस एक्सरसाइज। वी अरेंज अ लेटर टू नेम दिस फेस्टिवल्स। यू हैव टू rearrange these words and write down the name of these festivals, and this is your homework. Let's start reading of this chapter. Once upon a time there was a robin who loved to sing. एक समय की बात है, एक बार एक bird होता है, उसका क्या name है? Robin। उसे singing करना बहुत अच्छा लगता होता है। वन क्रिसमस मॉर्निंग ही मेट एन ओल्ड ग्रे कैट। एक दिन क्रिसमस मॉर्निंग में उसे ग्रे कैट मिलती है। शी वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। वो जो ओल्ड ग्रे कैट होती है वो किसके लिए जा रही होती है? वॉक के लिए। गुड मॉर्निंग रॉबिन सेड ड्रेस, वेयर आर यू गोइंग दिस कॉल्ड मॉर्निंग। जो ग्रे कैट होती है वो रॉबिन से पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। तो रॉबिन क्या आंसर देते हैं? आई एम गोइंग टू द किंग टू सिंग हिम अ क्रिसमस सॉन्ग। कि मैं किंग के पास जा रहा हूँ क्रिसमस सॉन्ग को सिंग करने के लिए। तो बाद में जो कैट होती है वो उसको जाने से रोकना चाहती है, इसलिए वो कहती है ओ बट वेट बिफोर यू गो। Hop down to me and I will show you the pretty green muffler around my neck. जो ग्रे कैट होती है वो रॉबिन को कहती है कि आप नीचे आओ, मैं आपको अपना ग्रीन मफलर दिखाती हूँ। लाइक दिस इज अ ग्रीन मफलर। हा ग्रे कैट, यू कांट ट्रिक मी। आई एम नॉट कमिंग डाउन टू यू। आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग। जो रॉबिन होता है वो कहता है मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, मैं तो सीधा किंग के पास जाऊँगा। रॉबिन स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे। तो रॉबिन ने अपने विंग्स को स्प्रेड किया एंड उड़ गया। ही फ्लू अंटिल ही केम टू अ हिल साइड। उड़ता उड़ता वो एक कहाँ पर पहुँचा? एक हिल के पास। हिल क्या होती है? पहाड़ी। Here he saw an old fox looking out of a hole. उसने वहाँ पर एक old fox देखी, वो कहाँ से बाहर आ रही थी? एक hole में से बाहर आ रही थी। उसने भी रॉबिन से पूछा, Good morning, Robin Redbreast. Where are you going this cold morning? तो रॉबिन ने क्या आंसर दिया? I am going to the king to sing him a Christmas song. कि मैं किंग के पास जा रहा हूँ क्रिसमस सॉन्ग को सिंग करने के लिए। तो जो फॉक्स थी उसने क्या आंसर दिया? ओ बट वेट बिफोर यू गो, लेट मी शो यू द ब्लैक स्पॉट डैट आई हैव ऑन माई टेल। जो फॉक्स थी उसने उसे रोकना चाहो कहा कि आप नीचे आओ, मैं आपको अपनी जो टेल पे स्पॉट है वो दिखाती हूँ। तो रॉबिन था, उसने कहा हा स्लाई फॉक्स, स्लाई मीन्स क्लेवर। आई डोंट वॉन्ट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल, आई एम गोइंग स्ट्रेट टू द किंग। तो रॉबिन ने क्या आंसर दिया कि मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं तो सीधा किंग के पास जाऊँगा। सो रॉबिन फ्लू अवे वंस मोर। तो रॉबिन ने फिर फ्लू उड़ना शुरू कर दिया। ही नेवर स्टॉप टू रेस्ट अंटिल ही सॉ अ स्मॉल बॉय। उसने रास्ते में कहीं पर भी रेस्ट नहीं की, तो उसने रास्ते में कौन देखा? एक स्मॉल बॉय देखा। गुड मॉर्निंग रॉबिन सेड ड्रेस, वेयर आर यू गोइंग ऑन दिस कॉल्ड मॉर्निंग। तो उसने भी उससे पूछा कि आप कहाँ पर जा रहे हो, तो उसने सेम यही आंसर दिया, आई एम गोइंग टू सिंग अ क्रिसमस सॉन्ग फॉर द किंग। कम नियर, आई विल गिव यू सम क्रम्स। तो जो बॉय था उसने रॉबिन को कहा कि नीचे आओ, मैं आपको कुछ क्रम्स ईट करने के लिए देता हूँ। क्रम्स मीन्स ब्रेड पीसेस। तो रॉबिन ने कहा नो थैंक यू, आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग। कि मैं नहीं आऊँगा, मैं तो नीचे सीधा किंग के पास जाऊँगा। एंड सो ही डिड, उसने ऐसा ही किया। ही सेट ऑन अ विंडो
विंडो सिल ऑफ द पैलेस, वो पैलेस में पहुंच गया और पैलेस की विंडोज के पास बैठ गया। ही सैंग द स्वीटेस्ट क्रिसमस सॉन्ग ही न्यू, और उसने जो क्रिसमस सॉन्ग था वो सिंगिंग करना शुरू कर दिया। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था। वाई? बिकॉज इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्योंकि उस दिन कौन सा डे था? क्रिसमस डे। ही हैव कम सो फार टू सिंग फॉर अस, वट गिफ्ट कैन वी गिव हिम। जो रॉबिन ने सिंगिंग करनी स्टार्ट की तो जो पैलेस में किंग और क्वीन थे वो भी विंडो के पास आ गए। तो उन्होंने जब सिंगिंग, रॉबिन की सिंगिंग सुनी तो उन्होंने आपस में बात की कि जो बर्ड है, रॉबिन बर्ड है, वो हमारे लिए इतनी दूर से आया है सिंगिंग करने के लिए कि हम उसको क्या गिफ्ट दें। आई नो वट वी कैन डू, वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड। तो उन्होंने सोचा कि हम इसके लिए एक अच्छा सा फ्रेंड ढूंढेंगे। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम अवर हेल्पर, तो इसके लिए हम अपने हेल्पर्स की हेल्प लेते हैं। द किंग क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड कॉल्ड हिज हेल्पर्स, तो किंग ने बाद में अपने हेल्पर्स को बुलाया और क्या कहा? फाइंड अ फ्रेंड फॉर रॉबिन रेड ब्रेस्ट, और हेल्पर को कहा कि रॉबिन के लिए एक फ्रेंड ढूंढा जाए। तो हेल्पर ने क्या कहा? आई नो अ बर्ड नेम जेनी रैन, कहते मुझे एक बर्ड के बारे में पता है, उसका क्या नेम है? जेनी रैन। शी लिव्स इन द किचन कॉर्ट यार्ड, वो कहाँ पर रहती है? किचन के आंगन में रहती है। ब्रिंग हर हेयर, उसे यहाँ पर लाया जाए। ये किंग ने किसको कहा? हेल्पर को कहा। जेनी रैन एंड रॉबिन रेड ब्रेस्ट लाइक्ड ईच अदर वेरी मच, तो इस विंडो में शो हो रहा है कि वो दोनों इकट्ठे बैठे एक विंडो पर, तो वो एक दूसरे को पसंद करते थे। दे सैट साइड बाय साइड ऑन द विंडोज इल, वो दोनों विंडो के पास बैठ गए और आपस में क्या बन गए? फ्रेंड्स बन गए। दे सैंग डैड क्रिसमस सॉन्ग एंड मैनी मॉर्निंग्स आफ्टर डैड, उन्होंने उस दिन भी क्रिसमस सॉन्ग गाया और एवरी मॉर्निंग वो किंग और क्वीन के लिए सिंगिंग करते थे। सो वी कैन से मैनी ट्राई टू स्टॉप रॉबिन रेड ब्रेस्ट फ्रॉम गोइंग टू द किंग, हाउएवर ही डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली सैंग द सॉन्ग फॉर द किंग एंड क्वीन। सो डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली टू टाइम्स एंड अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।